1 अप्रैल 2018 को शराबबंदी वाले चंद्रपुर जिले में पुलिस विभाग की ओर से हैट्रिक स्ट्रॉक लगाया गया। शराबबंदी के 3 साल के उपलक्ष्य में जिले की पुलिस मुखिया नियति ठक्कर ने खुद की ही पीठ थपथपाते हुए साल भर में कितनी शराब जब्त की गई उसकी जानकारी सार्वजनिक की। लेकिन जिले में चल रही खुलेआम शराब की दुकानों पर नकेल कसने में जिला पुलिस पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चंद्रपुर जिले के शराबबंदी का विषय तो महाराष्ट्र के विधानसभा में भी गूंजा। पहले आप सुनिए क्या कहते हैं विधायक जी, जिसके बाद हम आपको कुछ ताज़ा तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह शराबबंदी के चंद्रपुर जिले में शराब की गंगा बहती है। विरोधी पक्ष के एमएलए ने विधानसभा में उठाया हुआ शराबबंदी के संदर्भ में हमारी टीम जब चंद्रपुर जिले के बालाश्रम में पहुंची, जो कि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटवीर इनका चुनावी क्षेत्र है, यही नहीं जिले में शराबबंदी की घोषणा भी मुंगटवीर ने ही की थी, जिसके बाद से ही यहां हर नुक्कड़ पर शराब मिलती है। बालाश्रम पुलिस थाने के परिसर में आने वाले बामनी गांव में जब हमारे संवाददाता गए तो शराब की अवैध दुकान से गंगा खुलेआम बहती नजर आई। इतना ही नहीं, इसी तरह की दूसरी तस्वीर भी बालाश्रम के विसापुर की है, जहां एक दुकान से शराब की बिक्री की जाती है। जब वित्त मंत्री के चुनावी क्षेत्र की ये हालत है तो पूरे जिले की क्या हालत होगी, तो ये सोचने वाली बात है कि पूरे जिले का क्या मंजर होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शराब के ठेकेदारों की ओर से मिठाई बांटी जाती है, जिस वजह से पुलिस इन पर नकेल कसने में नाकाम है।